वोकेशनल पब्लिक स्कूल से। आइए आज हम जानेंगे व्याकरण के एक ऐसे नियम के बारे में जिसको लेकर अक्सर हम दुविधा में रहते हैं कि कहां पर हम य का प्रयोग करें और कहां पर हम ए का प्रयोग करें। तो आज हम कुछ ऐसे ही शब्द लेकर के आए हैं और इसके कुछ नियम कि कहां पर हमें इनका प्रयोग करना है, क्योंकि वैसे तो ये दोनों ही शब्द व्याकरण की दृष्टि से सही हैं, लेकिन इनको प्रयोग करने के जो नियम हैं वो थोड़े अलग हैं। तो जैसे लिए लिए, दिए दिए, जाए जाए, किए किए, नई नई। अब लिए ये हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं लेने देने की क्रिया में। जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ पर हम ये वाले लिए का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने उनसे दो सेब लिए, तो यहाँ पर हम कौन सा प्रयोग करेंगे, ये वाला। मैंने उससे दो आम लिए, तो यहाँ पर हम ये वाला लिए प्रयोग करेंगे, ये वाला। और लिए ए वाला प्रयोग कहाँ पर हम करेंगे, जब ये कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है, जैसे उसके लिए, तुम्हारे लिए, मैं उसके लिए पुस्तक लाया। तो यहाँ पर क्योंकि ये कारक चिन्ह का के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हम ये वाले लिए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, ये का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, यदि शब्द के एक वचन में या है तो उसके बहुवचन में भी या का ही प्रयोग होगा। जैसे कुछ शब्द देखते हैं उदाहरण में, नया नए, गया गए, दिया दिए। अब देखिए ए का प्रयोग, यदि शब्द के एक वचन के अंत में आ आता है तो हम बहुवचन में ए का प्रयोग करेंगे, जैसे कुआं। तो यहाँ पे आ रहा है अंत में, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ए का प्रयोग करेंगे। इसका एक और नियम है कि यदि ए, ये और ए एक साथ आते हैं, कुछ शब्द वाक्य ऐसे होते हैं ना जिसमें दो शब्द, एक ये वाला आ गया एक ए वाला आ गया, तब हम वहां पर क्या करेंगे। तो देखिए जैसे किए गए हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या आया हुआ है, ये, और यहाँ पर क्या आया हुआ है, ए। तो इसका क्या नियम है कि यदि ये और ए एक साथ आते हैं तो पहले स्थान पर ये और दूसरे स्थान पर ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले स्थान पर क्या है, ये, और दूसरे पर ए। तो इस प्रकार हम इनका प्रयोग करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। नमस्कार।